तोड़ने का तरीका भी देखें, पंजाब में कैसे तोड़ा जाता है, कितने खूबसूरत सिल्की। काश मेरे और रजीना के भी बाल ऐसे खूबसूरत खूबसूरत सिल्की सिल्की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, ढेरों खुशियां दे। तो प्लीज़ सब के लिए दुआ किया करें और हम दोनों को भी अपनी दुआ में याद रखा करें, इसी नेकतों के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू यार इतना सपोर्ट करने के लिए, और मज़ीद सपोर्ट कीजिए मुझे और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कि यकीन माने मैं इतनी खुश हूँ ना आप लोग इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज का जो है ना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। रोज़ीना आई है मेरे पास, तो उसको जो है ना साग खाने का बहुत दिल है, तो उसने मुझे बोला कि जो ना मुझे साग जो है ना तोड़ के दो, चलो मेरे साथ साग तोड़वाओ। तो मैंने कहा चलो आओ तोड़वाती हूँ। तो जो है ना उसने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर ले, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, वो देखे सूरज भी गरूब होने को है, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आप सबके लिए छोटा सा व्लॉग भी साथ में शूट कर लेते और अपना काम भी कर लेते, साग भी तोड़ लेते, चलो आओ। चलो हाँ जी, यहाँ हम कपड़ा डाल रहे हैं साग के लिए, अभी इसमें तोड़ लोड़ के रखेंगे साग। और तोड़ने का तरीका भी देखें पंजाब में कैसे तोड़ा जाता है। साग तो बहुत मज़ेदार का बनता है और मुझे तो बहुत पसंद है, हमारी पूरी फैमिली को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा आपको भी पसंद है? रोज़ीना पका के रखेगी, कल जाके खाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और अगर नहीं ना पका के रखा तुमने तो रख देना, मैं आ जाऊंगी मिलके पकाएंगे। ठीक है, सना और मैं दोनों मिलकर कल साग बनाएंगे और आपके साथ व्लॉग भी शेयर करेंगे। हाँ जी जी, ये देखें ये साग के दरमियान से तोड़ा जाता है, ये वाली जगह तोड़ के रख लो और ये इतनी नरम नरम होती है, इतनी मज़े की पकती है। हाँ जी जी, ये देखें तो हम जो है ना साथ में तोड़ तोड़ के जमा कर रहे हैं, रोज़ीना और तोड़ रही है, मज़ीद मैं भी उसके साथ तोड़ाने लगी हूँ। अब ये रख रहे हैं, ये बड़ा मज़े का पकता है, इसमें पालक मेथी हरी मिर्चें लाल मिर्चें डाल के पकाया जाता है और बहुत ही लजीज पकता है। अच्छा हाँ, ये ना पंजाब वाले लोगों को तो बहुत पसंद होता है लेकिन शहर वाले लोगों को भी पसंद होता है, इतनी नरम नरम जगह लगता है पानी लगा हुआ है इसीलिए। देखें रोज़ीना तो भाई फुल फोकस है साग तोड़ने पे, क्योंकि खाना जो है इसको मजे मजे है के। जाहिर सी बात है खाना तो फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। आप जल्दी करो, ऐसा ना कि शाम हो जाए और हमारा साग रह जाए। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। यार थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि सूरज ग्रूप हो रहा है, देखें बस एंड पे जा चुके हैं और अंधेरा होने वाला। बस अच्छा जी, कल जो है ना हमने दादी से साग कटवाना है, दादी से कटवाना, भाई मुझसे तो नहीं कटा जाता, दादी से कटवाना है। मैं खुद काट लूंगी, मुझे काटना आता है। और हम दोनों ने फिर पकाना भी है, बहुत मजे का बनेगा और आप लोगों को भी। ये सरसों का नहीं है, ये दूसरा है, इसको क्या गोभी का बोलते हैं इसको, वो वाला है। मुझे तो सरसों का ज्यादा पसंद है क्योंकि वो ज्यादा मजे का बनता है। और अभी जो सना है ना वो कह रही कि आप ये वाला पका लो, मैंने पहले बनाया था, बहुत मजे का बनाया था मैंने पिछले दिनों में, व्लॉग भी शेयर किया था, साग बनाया था और इतना लजीज पका था, और जब भाई ने देसी घी का तड़का लगाया था आला तरीन था। क्यों भाई ने लगाया, आपको नहीं लगा रहा था देसी? नहीं मैं तड़का लगाने लगी थी साग को, तो फिर भाई कहता है कि लाओ मैं लगाता हूँ ना, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार इससे ज्यादा इसके हाथ में ज्यादा मजा है तो आप लगाओ फिर खाते हैं मिलके। फिर हमने लगाया, दादी को भी बड़ा पसंद आया। अकेला साग हो ना बीजा हुआ तो फिर आसानी से बंदा तोड़ सकता है, अगर कोई और भी फसल लगी हो तो फिर थोड़ी मुश्किलात होती है। मैं तो जमा कर रही हूँ भाई, मेरी तो बस हो चुकी है, रोज़ीना अभी भी लगी हुई है। नहीं जमा कर रही, मैंने जो दिया ना वो भी लेकर गई है बस, खुद ही नहीं इतना ज्यादा मैं इतना ही तोड़ सकती हूँ, मुझसे ज्यादा नहीं तोड़ा जाता। अच्छा गाइस पता है मैं जब बनाती हूँ ना घर पे
तो मुझे साथ में दादी या फूफो को लाना पड़ता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझसे ज़्यादा तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि मुझे मुश्किल होती है कि मैंने कभी तोड़ा नहीं है ना, इसलिए इतना तोड़ दिया फिर भी ना शुक्रिया है। अभी जो सना है ना वो तो थक गई है, वो कह रही है बस भाई मेरी तो बस होगी, आप खुद साग तोड़ो। तो फिर भी मैंने इसको कहा कि आ जाओ मेरे साथ तोड़ाओ साग, अभी आ गई है, वरना ना आती ना इसकी मैंने बहुत पिटाई करनी थी, इसलिए अभी आ गई है। मेरा जितनी आलसी कोई भी नहीं है यहाँ पे, कितने खूबसूरत सिल्की हमारे भी ऐसे हो गए हैं। ये देखे छल्ली के बाल कितने प्यारे हैं, बहुत ही सिल्की हैं ये देखे, कलर हुआ हुआ इनका। काश मेरे और रजीना के भी बाल ऐसे खूबसूरत खूबसूरत सिल्की सिल्की हो। ये देखे ऐसे कलर हुए ना जैसे लड़कियां करवाती है ना, जो अमीर अमीर होती है ना पार्लर में जाकर बहुत बहुत महंगे कलर करवाती हैं, पैसे देकर इस तरह के करवाती हैं। ये देखे कुदरती बाल चेक करें, ये देखे हर छल्ली के मुख्तलिफ है, ये देखे छल्ली के कैसे है, और भी दिखाती हूँ, और ये देखे ये देखे। हाँ गंदला देखने से लगता है तोड़ना आसान है, लेकिन तोड़ना आसान ही है, अगर जमीन में पानी लगाओ तो बिल्कुल तोड़ना आसान ही, जो उसकी जड़ है ना खाना ही आसान होता है कोई भी चीज हो, और साग खाना आसान तो बहुत है लेकिन बनाना और तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको पकाने के लिए ना लाजमन तो लाजमन 3 घंटे तो जाते ही जाते हैं, और काटने में 1 घंटा लाजमी जाता है। और अब जो है ना काफी साग हमारा टूट चुका है, और अब हम जाने लगे हैं, शाम हो गई है तो बाहर निकलते हैं, काफी टाइम भी हो गया तो फिर बनाना है। है। अभी तो नहीं बनाएंगे, सुबह बनाएंगे क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो गया, तो वहीं पे बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके साथ व्लॉग भी शेयर करेंगे। हाँ जी जी भी बस, तो देखे हैं साग इकट्ठा हो गया है, और हम काफी हो गया, मुझे तो लग रहा है बहुत होगा ना। हाँ, कल बनाना है और मैं अपने घर पे भी लेके आऊंगी, दोगी ना? नहीं मैंने खुद खाना है। देखे गाइस ये मुझे नहीं देने वाली है, फिर भी मैंने इसके साथ तोड़वाया है और काफी हो गया। नहीं नहीं अब इसमें पालक भी डलेगी, इसको पालक भी डालनी है अभी इसमें, पालक मेथी भी डालनी है, मेथी भी हर चीज डालनी है। कल मजे का बनाएंगे, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे। चलो भाई। अच्छा जी बस, तो अब हम घर को चले, शाम होगी काफ़ी, देखें काफ़ी, अब मुझे लग रहा है थोड़ी देर तक अंधेरा हो जाना, क्योंकि ये सर्दियों की शाम है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। हाँ जी जी बस, तो देखें रजीना का साग हो चुका है, अब टूट गया है, अब हम घर को चले हैं, काफ़ी शाम हो गई है, तो अब सुबह जाके इंशाल्लाह इसके साथ बनवाऊंगी। और जो है ना इनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, मेरे चैनल पे जाएं, सना जुल्फकार व्लॉग्स, उस मेरे वीडियोस को पूरा वॉच करें, मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखें, और अच्छे कमेंट भी करें, कैसे अच्छे या बुरे, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो यकीन माने दिल से दुआ निकलती है कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना सपोर्ट करने वाला है। तो अच्छा मैं YouTube फैमिली, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो सबको पसंद आएगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।